शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये ऑल इंडिया रेडियो बंबई है। अब हम आपको कुछ पुराने गानों के रिकॉर्ड सुनाएंगे। आज से 10 साल पहले इन गानों ने धूम मचा दी थी। पहले सुनिए सांवरे सांवरे, गायिका अनुराधा राय। नमस्ते गिरधारी, बैठो। क्यों, क्या हाल है? ठीक है जी। ठीक हो गया ना? देखा तुम खामखा घबरा रहे थे। भाई तुम चिंता ना करो, घनश्याम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मैंने शहर से दवाई मंगवा रखी है, उम्मीद है आज आ जाएगी। तुम घर चलो, मैं भी रानू। ओ रानू, आ जल्दी आ। दवाई कैसे पिताजी? ये छोटा सा गांव है नरानू, यहाँ बहुत सी दवाइयाँ नहीं मिलती। मैंने राम भरोसे को शहर से दवाइयाँ लाने के लिए कहा था, वो लेकर आ गया है। तो एक मिनट यहाँ ठहर, मैं भी आता हूँ। आंधे 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 क्या हुआ? साढ़े दस सत्यानाथ, मेरी तो गाड़ी छूट गई। सुनिए जनाब, तुम्हारी गाड़ी गई, लेकिन इधर मेरा हाथ है, कम वक्त टाइम भी देखना नहीं आता। क्या देख रहे हो राम भरोसे? वही आत्मा राम चोरू का गुलाम। देखो गाल से हाथ रख के हाय हाय कर रहा है, इसका मतलब समझते हो?
इसकी बीवी के दांत में दर्द है। दंग मरीज। डॉक्टर साहब, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। क्या आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के दांत में सख्त दर्द है, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता, तो बच जाएगी ना? हाँ बच जाएगी, दांत के दर्द से आज तक कोई नहीं मरा। तुम घर चलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आप ही के साथ चलूंगा, नहीं तो मुझे काटने दौड़ेगी। जिसके दांत में दर्द हो वो काट नहीं सकता। डॉक्टर साहब, वो सकता नहीं है, सकती है। कोई बात नहीं, सकती भी नहीं सकती। बेफिक्र हो जाओ। ये आत्माराम क्यों आया था डॉक्टर साहब? इसकी बीवी के दांत में दर्द है ना? तुम्हें कैसे मालूम? वाह, वो खुद यहाँ तक ऐ कर रहा था। क्या मतलब? अरे डॉक्टर साहब, जो कुछ इसकी जोरू को होता है इसको भी होने लगता है। आपने इसकी बीवी को बच्चा पैदा होते नहीं देखा? वो अंदर चिल्ला रही थी बारी, हाय 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 कर रहा था। जोरू का गुलाम। हमें डॉक्टर साहब, बीवी दर्द से चिल्लाती रहे चाहे रात भर, मरती रहे, पलट के भी नहीं देखते। इसको कहते हैं मर। ये तुम्हें माथे पर क्या हुआ? डॉक्टर साहब, तो साहब तुम्हें खिड़खिट हो गई थी, उसने प्यार से चिमटा मार दिया। अच्छा, खूब प्यार है। अरे 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 अरे, तू कैसी? अरे रानी रे रानी, सुतरा जानी, बर्फ ये पानी, रोटी के टोटी का पानी तो ना कैसी? अरे पिता जी, ये मुझसे भी ज्यादा बकबक करते हैं ना। बकबक की कोई दवा नहीं? अगर बकबक की कोई दवा होती तो सबसे पहले तुझे दे। चुन्नू, फिर तो चला बाहर। कितनी बार कहा तुझसे घर से बाहर मत निकल। खैर जा, आज तेरे बाप से कह के तेरा दो कान में सर नहीं करवाया तब तू कहना। हाँ कैसा है घनश्याम? अभी बुखार है। ठीक हो जाएगा। कैसे दवाई आ गई है? मैं भी इंजेक्शन दिए देता हूँ। ए तू जा घर जा, मैं भी आता हूँ। हाँ जाओ जाओ घर जाओ, भाग जा। तेरे घर जाकर फिर तुझे सुई लगाएगा तो तेरा पिन तो दे। क्यों, क्या करेगा तू? दे दो। मेरी जान ले लो डॉक्टर साहब, सुई मत लगाओ, सुई मत लगाओ। मैं अपने यहाँ अच्छा हो जाऊंगा डॉक्टर साहब, मैं अपने यहाँ अच्छा। भगवान के लिए, बहुत दर्द होगा डॉक्टर साहब, बहुत दर्द होगा। डरता क्यों है? कुछ नहीं होगा। डरो नहीं चाचा, कुछ नहीं होगा। लगाओ पिताजी सुई लगाओ। लगा दिया। देखा चाचा, मैंने एक दर्द की। हाँ तो बड़ी बात है। ये बीमार क्यों है पिताजी? इसके कई कारण है बेटे। बहुत बुरी बीमारी है क्या? बीमारियां सभी बुरी होती हैं। घबराओ नहीं, जल्दी अच्छे हो जाओगे। दवाई पीते रहना और खाने के लिए खिचड़ी, दलिया, ऐसी को हल्की चीज। इंजेक्शन में रोज आकर दे जाया करूंगा। भगवान आपका भला करे डॉक्टर। अरे ठीक है भैया, चल बेटे। चाचा अब पीस नहीं दोगे? चलो चल। बहुत फजूल बातें करने लगी है। उसे किसने कहा था उनसे फीस मांगने को? बेचारे गरीब आदमी। आदमी गरीब क्यों होता है पिताजी? गरीबी के बहुत से कारण होते हैं बेटे। गरीबी भी कोई बीमारी है? हाँ बेटे, गरीबी बहुत बुरी बीमारी। अरे इसकी तो हवा निकल गई। क्या होगा पिताजी? अब तो पैदल घर जाना पड़ेगा। ए रामू, तेरा भाई आएगा ना, ये साइकिल मेरे घर भिजवा देना। आइए डॉक्टर जी, आइए। चुन्नू आ गया घर? हाँ जी। क्यों रे, तुझे मना किया था कि नहीं बाहर मत जाना? मैं कितनी दफा कह चुका हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा कहना ही नहीं मानता। नहीं मानता तो इसके हाथ पैर बांध दो। पिताजी उसकी टांगें ही काट दी। चुप रह, जुबान दिखा। सुई लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक गोलियां दे जाता हूँ, एक गोली सुबह एक गोली शाम को देती रहूँ। बहुत अच्छा। और खाने के लिए खिचड़ी न तो दलिया? नहीं कुछ नहीं खाएगा, समझी? नहीं कुछ नहीं खाएगा, समझी? खाली दूध। मैं कल सुबह फिर आ जाऊंगा। चल चलने में तकलीफ हो रही है? हाँ। उठा लूं? पिताजी बैग बहुत भारी है। हाँ। ला मुझे दे दो। रहने दे, आज बहुत देर होगी, तेरी माँ बहुत नाराज होगी। पिताजी मैं माँ का नाम नहीं मालूम है। मालूम है तुम्हें माँ का नाम? मालूम है। हाँ, मेरा
माँ का नाम अनुराधा राय। वो कैसे होगा? मेरा नाम है निर्मल चौधरी, माँ का नाम होगा अनुराधा चौधरी। झूठ, बिल्कुल झूठ। माँ के रिकॉर्ड पर लिखा है गायिका अनुराधा राय। हाँ, पर वो तो शादी से पहले का था। पिताजी, शादी के बाद में नाम बदल जाता है। हाँ। मेरा नाम क्या होगा शादी के बाद? ओफो, तो चुप भी करेगी या तोते की तरह टैं टैं करती रहेगी? ले उधर घर आ गया। अरे तू किधर चली? बुढ़िया को सुई लगाने की, उससे बुखार है ना। आज इतनी देर लगा दी। क्या बताऊं, कब साइकिल पंक्चर हो गई थी, पैदल आना पड़ा। रानू कहाँ है? वो उसकी गुड़िया बीमार है, नीचे सुई लगा रही है। हे भगवान, अभी से उसके दिमाग में सुई बस गई। मैं कल से उसे नहीं जाने दूंगी तुम्हारे साथ। दिन भर बीमारों के बीच घूमते रहने से कहीं खुद बीमार हो गई तो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इससे तो बल्कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तुमने देखा नहीं, अमीर लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं, गरीब लोग जल्दी बीमार नहीं होते। कुछ भी हो, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ और तुम? जल्दी जल्दी चाबी खोल दो। जा पिताजी के पास जा। पिताजी, देखो ना, धूप से मुंह एकदम लाल कबूतर हो गया। कबूतर लाल होता है माँ? कबूतर नहीं, उसकी आंखें लाल होती है। तो तुम कबूतर हो? कबूतर नहीं, कबूतरी। तुम चुप रहो जी, जा पहले वहां गया। फिर तुम किताबों के पीछे पड़ गए। मैं देख रहा हूँ इस बेचारे घनश्याम की बीमारी क्यों नहीं जाती। सबकी बीमारी देखते हो, कभी मेरी बीमारी के बारे में भी सोचा है? क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? जी मुझे कोई तकलीफ नहीं, दिन भर अकेली कभी यहाँ कभी वहां बैठती हूँ। मैं बातचीत करूँ तो किससे, दीवारों से? मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है। काम कैसा भी हो, कम से कम आज 8 बजे शाम को घर आ जाओ, पूनम का उत्सव है और गांव वालों ने निफ्ता दिया है। इसी बहाने मैं भी 2 घड़ी तुम्हारे साथ गुजारूंगी। आप नहीं जानती आप इस साड़ी में कितनी सुंदर नजर आएगी, जो आपकी तरफ देखेगा बस देखता रह जाए। आ हा हा हा, क्या साड़ी, A1। अब इससे अच्छी साड़ी तुझे नहीं मिलेगी। ठीक, एकदम बोगस। बोगस? तू इसे बोगस कहती है? अरे ये तो ऐसा लगता है कि कारीगर ने जान लड़ा दी। तुम चुप रहो भैया, यू हैव नो टेस्ट। क्या? तेरे जो जी में आए तो कर, मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूँ। हाँ हाँ, जाओ। प्लीज मे आई सी दैट वन।
हेलो अशिम। अरे निर्मल, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ऐसे ही कपड़ा उपड़ा खरीदने। बाप रे, साथ कोई औरत तो नहीं है ना? अब माने बहन बीवी? बीवी है नहीं, बहन कभी थी नहीं। खुदा की कसम, बच गए, सचमुच बच गए। क्यों? अरे वो मेरी बहन अनुराधा है ना। अनुराधा? अरे अनुराधा राय, वो जो रेडियो पे गाया करती है। हाँ, वो तुम्हारी बहन है? हाँ बाबा हाँ, परसों चैरिटी शो के लिए डांस ड्रामा कर रही है, उसके लिए साड़ी खरीदने आई है। दो घंटे हो गए, एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। मैंने एक साड़ी पसंद करके दी तो वो ना भों चढ़ा के बात की कि उस सेल गड़ भी हंस पड़ी। अच्छा। कमाल है यार, तुम भी हंस रहे हो। मर्द जूतों की मार सह सकता है, लेकिन औरत के सामने बेइज्जती कभी नहीं सह सकता। ठीक है, काम करोगे यार? बोलो। चलो प्लीज। यस। मैं कोई अच्छी सी साड़ी देख सकता हूँ? हाँ हाँ, पसंद कीजिए। थैंक यू। आहा, ये हुई ना साड़ी, क्या बॉर्डर है। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? मैंने आज तक हजारों साड़ियाँ देखी हैं, पर ऐसी खूबसूरत साड़ी आज तक नहीं देखी। जनाब को ये साड़ी पसंद है? पसंद? मेरी तो देखते ही दिल की धड़कनें बंद हो गई, ऐसी मिलती कहाँ है? माफ कीजिएगा, आपका टेस्ट कुछ। देखिए साहब, मैं एक आर्टिस्ट निगाह रखता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि जिसको ये साड़ी पसंद नहीं है उसके अपने दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जिस लड़की के बारे में मैं सोचता हूँ, अगर वो ये साड़ी पहन ले तो। हाँ हाँ जरूर, क्या कीमत है? 150 रुपया। 150? पैक कर दीजिए। अच्छा, तो आर्टिस्ट साहब ये बात है? जी बात कुछ नहीं जी, मैं सिर्फ साड़ी की तारीफ नहीं कर रहा था, मैं आपकी भी तारीफ कर रहा था। आप नहीं जानती आप इस साड़ी में कितनी सुंदर नजर आएंगे, जो आपकी तरफ देखेगा बस देखता रह जाए। हाँ हाँ, मैं समझ गई आप क्यों इतनी तारीफ कर रही थी, आप दोनों की साजिश थी। प्लीज बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जब मैं साड़ी के बारे में सोचा था, आप ही मेरे मन में थे, मैं आपको इस साड़ी में देख रहा था। I don't know why he's so late. Doctors are always late. Oh, here he comes. Hello, Ashim. Hello. Vera. Oh, yes. Meet my friend, Miss Martin, Dr. Nirmal Chaudhary. Chale? भाई और बहनों, अब हम आपके सामने एक नृत्य नाटक प्रस्तुत करते हैं, जीवन संगीत। जीवन संगीत की रचना प्रसिद्ध गायिका कुमारी अनुराधा राय ने की है। जीवन संगीत का उद्देश्य है कि संगीत, केवल संगीत ही जीवन में खुशी ला सकता है। बहुत दिन हुए तारों के देश में, चंदा की नगरिया में रहते थे एक राजा, बज रहा था दूर दूर उनकी जय का बाजा, उनकी जय का बाजा। जैसे थे परतापी राजा वैसी उनकी रानी, वैसी उनकी रानी। जैसा रूप रंग पाया वैसी ज्ञानी ध्यानी, वैसी ज्ञानी ध्यानी। दोनों की दुलारी एक बिटिया थी प्यारी, बिटिया प्यारी प्यारी। फूल जैसी नाजुक थी वो नाम था फूल कुमारी। आ
अंधी तकदीर ने अंधेर किया भारी। छीनी उसके होठों से हंसी वो प्यारी प्यारी। भूल कुमारी भूल गई हंसना मुस्कुराना, हंसना मुस्कुराना। लूट लिया भागने खुशी का वो खजाना, खुशी का वो खजाना। सुनो भाइयों सुनो, इतला दी जाती है खास और आम को, मुल्क तमाम को, जो कोई हंसा दे राजकुमारी को, राजा की बेटी फूल कुमारी को, राजा उसे देंगे आधा राज और ब्याह कर देंगे उसका राज दुलारी फूल कुमारी के साथ। कर हार गए सब फूल बनी रही पत्थर, मत पूछो क्या बीत रही थी मात पिता के दिल पर। मगर ये कौन, ये कैसी आवाज? Thank you.
कहा दिन सुहाने आ गए। दिल कुकड़ियों ने कहा दिन सुहाने आ गए। बादल हट गए खुल गया नीला गगन हर गली को प्यार से छू गई सूरज किरण। मुस्कुरा लो झूम लो वो जमाने आ गए। ए, 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 ए,
जाओ जाओ जल्दी से पानी लाओ। आने दीदी, आने दीदी, आने दीदी। अरे चल चलो इन्हें उठाओ। क्यों भैया विजय से पुछा रहे, तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है? वही जो बेटियों को होता है डॉक्टर, सुनती सबकी है, करती अपने मन की। प्रोग्राम में गई थी, पांव तोड़ के चली आई। अच्छा, एक छोकरा सा डॉक्टर आया है, लगा इंजेक्शन देने, मैंने मना कर दिया है, कहा इलाज कराएंगे तो अपने फैमिली डॉक्टर। बहुत अच्छा किया, आजकल के डॉक्टर आओ देखते हैं ना ताओ, बस इंजेक्शन लगाओ, चलो चलो हम देखते हैं। आपको यकीन है कोई फ्रैक्चर नहीं है? हाँ मेरा भी ख्याल था सिर्फ स्प्रेन ही है, फिर भी सोचा शक दूर करूं। ओके थैंक यू। क्यों बेटा, गई थी गाना गाने तो पैर तोड़ कर चली आई, अब नाचने जाएगी तो गला गड़बड़ हो जाएगा। असल में ये नाचने ही गई थी डॉक्टर चाचा। ओ तब तो इसका कोई कसूर नहीं, कमबख्त आंगन ही टेढ़ा होगा। अच्छा देखूं क्या हुआ। कुछ नहीं सर, सिर्फ मोच है। अरे निर्मल तुम यहां क्यों? भैया ब्रजेश्वर प्रसाद राय, इन्हें बुलाने के बाद मुझे यहां क्यों बुलाया है? तुम इन्हें पहचानते हो? अरे आज तो सिर्फ मैं ही पहचानता हूं, मगर एक दिन ऐसा आएगा जब इन्हें सारा देश पहचानेगा। आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर, जरा आप भी देख लीजिए ना। जब तुमने देख लिया तो मुझे देखने की क्या जरूरत है, चाहो तो एक्सरे करवा लो। एक्सरे तो करवा लिया है, स्प्रेन है, फ्रैक्चर नहीं है। अरे कब मोच आई और कब एक्सरे करवा लिया? यही आते आते रास्ते में रिपोर्ट भी आ गई। देखा भैया ब्रजेश्वर प्रसाद राय, अब हमारी यहाँ क्या जरूरत है, चलो उधर चले और दोनों बूढ़े मिलकर खांसे खांसे बहुत दिनों के बाद मिले हो। सर मैं एक इंजेक्शन देना चाहता था। एक? अरे 100 इंजेक्शन दो, चाहो तो पूरी टांग काट दो, हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। चलो भैया ब्रजेश्वर प्रसाद राय, अब हमारी तुम्हारी हो जाए। अशीम जरा केमिस्ट से एक इलास्टिक बैंडेज मंगवा ले। इलास्टिक बैंडेज? मैं आ गया। डॉक्टर कपूर ने ठीक ही कहा था। क्या ठीक ही कहा था? आंगन ही टेढ़ा होगा, वरना आप नाचते तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें यकीन है वो अच्छा डॉक्टर है? कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के बारे में नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहता हूं हाँ मेरी बेटी का ठीक से ख्याल रखेगा ना। तुम अपनी बेटी की बात करते हो, मैं कहता हूं अगर मेरी भी टांग टूट जाए तो मैं भी उसी से इलाज कराऊं। एकदम A1 ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। वो क्यों? इसलिए वो बहुत आदर्शवादी है, अमीर मरीजों को छोड़कर गरीब लोगों तक पूनियों के पीछे पड़ा रहता है, उनकी जेब से पैसा निकालने की बजाय अपनी जेब से निकाल कर उन्हें देता है। अरे मुझे भी तो एक सिगार दो। हाँ हाँ लो। घर में तो बीवी की वजह से पी नहीं सकते। क्यों? उसे बू आती है। अरे आपकी चीख भी कितनी सुरीली है। एक बात बताइए, आप डॉक्टर तो सचमुच के हैं, है ना? डॉक्टर कपूर ने मुझे इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया और आपको अब भी शक है? हाँ, उस दिन आप कह रहे थे मैं बड़ा अच्छा आर्टिस्ट हूँ और आज डॉक्टर बनने चले आए। क्या एक अच्छा आर्टिस्ट डॉक्टर नहीं बन सकता? आज तक मैं यही जानता था कि अनुराधा रॉय रेडियो और ग्रामोफोन की एक बहुत बड़ी गायिका है। आज अपनी आंखों से देख लिया कि नाचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आप गिर कैसे गए? यही साड़ी आपके पसंद की पैर में फंस गई, कितनी मनहूस है। एक चीज जो एक के लिए मनहूस हो सकती है, दूसरे के लिए लकी भी हो सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि साड़ी की वजह से आपका चलना फिरना बंद हो गया और मेरा इस घर में आना जाना खुल गया। अच्छा जी, मैं मर रही हूँ और आप खुश हो रहे हैं? तो क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है, लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर की रोजी चलती है। अच्छा जी नमस्ते, मैं चलता हूँ। अजीब से कह दीजिएगा मैं सुबह आकर पट्टी कर जाऊँ। सुनिए मैं रात सो भी सकूंगी। आप जरूर सो सकेंगे। अच्छा मैं सुबह 10 बजे आ जाऊं।
नीम साहब। क्या? डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर? अच्छा बुलाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। कहिए कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप तो 10 बजे आने वाले थे। जी जरा जल्दी आ गया, रात सो नहीं सका। क्यों सो क्यों नहीं सके? क्या मालूम, शायद मुझे भी कहीं मोच आ गई। तो क्या, आप तो डॉक्टर हैं, खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं। जी नहीं, इसका इलाज मेरे पास नहीं। आपके जल्दी आने से जानते हैं लोग इसका मतलब क्या समझेंगे। जी, मेरा ऐसा तो कोई मतलब नहीं। आपका मतलब कुछ भी हो, वो यही कहेंगे कि इस डॉक्टर के पास कोई मरीज ही नहीं। ओह, जी, मरीज तो बहुत हैं, मगर अपनी मर्जी का मरीज नहीं। आपकी मर्जी का मरीज कैसा होता है? जो देखने में बहुत अच्छा, जो नाचे बहुत अच्छा, गाता बहुत अच्छा। ऐसा मरीज इस दुनिया में कैसे मिल सकता है? इसके लिए तो वहां स्वर्ग में जाना पड़ेगा। जी मैं भी यही समझता हूँ। क्या मुझे स्वर्ग जाना पड़ेगा? स्वर्ग को मेरे पास आना पड़ेगा। इस तरफ आओ। नहीं, मैं सहारे के बगैर चल नहीं सकती। मैं जो हूँ ठीक है ना? क्या जिंदगी भर ऐसे ही चलना पड़ेगा? मेरे ऐसे नसीब का। कहिए डॉक्टर साहब, कैसी प्रोग्रेस है आपके मरीज की? आप खुद ही देख लीजिए ना, थोड़े दिनों में खुद ही चलकर जहाँ चाहे जा सकेंगे। बहुत अच्छा, तो मेहरबानी करके कल आप बिल ले आइए और बाकायदे अपनी फीस ले जाइए। लेकिन उफ़, इतने अफसोस की बात है। क्या हुआ? पैर एकदम अच्छा हो गया। सर कहते हैं डॉक्टर को बिजनेसमैन होना चाहिए, ताकि मरीज जल्दी अच्छा ना हो, डॉक्टर बार बार आ सके उसके पैर थामने के लिए। क्या आप हमेशा मेरे पैर ही पकड़ करेंगे? अनुराधा, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन हाथ भी थाम सकूं। तुम ये लेकर बैठ गए। अनु, शायद आज पता चल जाएगा नीलपुर में हर आदमी का पेट खराब क्यों रहता है। मेरे ख्याल में इसका कारण है ये बावली का पानी। हाँ, मगर तुमने तो आज मुझे पूनम के उत्सव पे ले जाने का वादा किया था। हाँ हाँ अनु, पर आज नहीं, अभी पता चल जाए तो मैं कल ही बावली का पानी बंद करवा दूंगा, बहुत सी जाने बच जाएंगे। ओ, तब मैं तुम्हें नहीं रोकती। देखो ये साड़ी कैसी लगती है। बहुत अच्छी है। कब खरीदी? कुछ दिन हुए, एक फेरी वाला चालाकी से बेच गया। तुम्हें ठगना कौन सा मुश्किल है? मुझे क्या मालूम, बातें बड़ी मीठी मीठी करता था, मैं उसके चक्कर में आ गई। और अब उसका पता ही नहीं कहाँ है। Thank you.
मेरी थोड़ी मदद करोगी? क्यों नहीं, कहो। जरा कुछ पानी गर्म कर दो तो। अभी कर देती हूँ। सुनो, तुम कब तक काम करोगे? क्या मालूम, 3-4 तो बज ही जाएंगे। तब मैं तुम्हारा बिस्तर यहीं किए देती हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारा ये संगीत मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये खिड़की बंद कर दो। पिताजी, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं, तू घर बैठ। नहीं नहीं, मैं घर नहीं बैठूंगी। बोल बाबा, तेरी माँ मेरी जान खा जाएगी। मैं सब देख रही हूँ, कोई जूता उतार नहीं। कोई जूता उतार नहीं, जूता उतार कोई नहीं। मैं भी उसको यही कह रहा था, मना कर रहा था। जानती हूँ जानती हूँ, चाचा चोर भतीजा काजी। जब बैठ ऊपर चल के, मैं सब दिख रही क्या थी। ये आपने बहुत अच्छा किया जमींदार साहब, जो डॉक्टर के कहने से आपने खाना बंद कर दिया। शास्त्रों ने वृत्त के बारे में 125 गुण बताए हैं। इसीलिए तो 7 दिन से चावल का एक दाना नहीं खाया। अरे माधव, क्या लाया? कुछ इमरतियां हैं सरकार, कुछ गुलाब जामुन और थोड़े समोसे। बहुत अच्छा। अच्छा तू जा, नहीं कहीं डॉक्टर ना आ जाए। खाओ खाओ, शास्त्रों ने न खाने के लिए 125 गुण बताए, तो खाने के लिए 150। क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या गुलाब जामुन बनाया है। मजा आ गया। समोसे की बनावट तो देखो। खाइए खाइए जमींदार साहब, डॉक्टर को मारिए गोली। नमक मिर्ची तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। खाओ खाओ और खाओ, खूब खाओ। ये क्या कर रहा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ अरे मर गया। मुझे मुझे खबर ना। नीचे नीचे पर नमस्ते जमींदार साहब। आइए आइए डॉक्टर साहब, बैठिए बैठिए। कहिए कैसी तबीयत? कुछ न पूछो निर्मल, कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से भूखा रहना पड़ रहा है, सिस्टम एकदम खराब हो गया। ताज्जुब है, दवा से फायदा तो जरूर होना चाहिए। आप फास्ट तो कर रहे हैं ना? फास्ट, एक दाना चावल का नहीं खाया बेचारे ने। जाने फिर दवा असर क्यों नहीं करती? न खाने से फायदा तो जरूर होना चाहिए। दवाई जो खाना पड़ रहा है तो बस फिर आप दवाई खाइए और कुछ ना खाइए। अच्छा, अच्छा दो एक दिन और देख लेते हैं। अच्छा नमस्ते। हाँ तुम जाओ, तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। लाओ लाओ लाओ, जल्दी करो। माफ करना बिहारी, तुम्हें तो पूछना ही भूल गया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी क्या देखा? अरे ये तो झूठा हो गया। अरे ये क्या? मेरा अच्छा, तो आप खा रहे हैं? खाइए सर, फेंको बाहर। हाँ, जो मुंह में पड़ा है वो भी। आपका अपनी जान का भी ख्याल नहीं है? दूसरों का ख्याल नहीं करते तो न सही, अपना तो ख्याल करो। मेरा कोई कसूर नहीं है निर्मल, इस हरामखोर ने जबरदस्ती ठूस दिया। पुराने नौकरों से तो यही मुसीबत है। जा ले जा, ए, 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 अजीब दुनिया है, कोई भूखा मरता है, कुछ ज्यादा खा के मरता है। कल से आप अपना इलाज किसी दूसरे डॉक्टर से करवाइए। निर्मल, ओ निर्मल, लो झूठ मूठ खफा होकर चला गया। मेरा क्या, मैं कल से ही खाना पीना छोड़ दूंगा, लेकिन मर गया तो उसी पर ब्रह्म हत्या का पाप पड़ेगा जरूर। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? गजब हो गया डॉक्टर साहब, मेरे बीवी के पैर में मोच आ गई। देखिए ना, चला भी नहीं जाता। बच जाएगी ना डॉक्टर साहब? हाँ बच जाएगी, घर जाकर हल्दी का लेप लगा दो जल्दी से, फिर मैं आकर देख जाऊंगा। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, नहीं तो मैं रंडवा हो जाऊंगा। क्या भगते हो,
तुम्हारी बीवी विधवा हो सकती है, तुम रेलवे नहीं हो सकते। अच्छा। याद है मैंने क्या बताया? आपने बताया था कि जल्दी का लेप हल्दी से। हाँ? नहीं नहीं, आपने कहा हल्दी से जल्दी का लेप। नहीं डॉक्टर साहब, आपने कहा जल्दी का हल्दी। नहीं नहीं, हल्दी का नहीं। डॉक्टर साहब मैं समझ गया, माँ मैं समझ गया। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? अब मुझे बुलाने की जरूरत ही क्या थी? तुमने तो उसे मार ही डाला। जी ये क्या, उसके बदन में एक कतरा खून नहीं है। अब तक सो रहे थे क्या? लेकिन डॉक्टर साहब वो तो मुझे कुछ बताते ही नहीं, और फिर मैं हमेशा काम में लगा रहता हूँ। काम काम काम, इतना काम है कि बीवी का भी ख्याल नहीं रख सकते? फिर शादी क्यों की थी? क्या हुआ रन? हाथ कट गया माँ। चिन्नू बीमार है ना, उसे सुई लगा रही थी। खून निकल आया तो रोई नहीं? मुझे क्या मालूम तुम या हो। चुप शैतान, और कोई खेल नहीं आता। जब देखो इंजेक्शन ऑपरेशन, बड़ी होकर डॉक्टर बनना है क्या? मैं पिताजी की तरह एक डॉक्टर बनूंगी या तुम्हारे तरह गाना गाऊंगी। मेरी तरह क्या फायदा, सुनेगा कौन? कोई तुम्हारा गाना नहीं सुनता है माँ। मैं सुनूंगी, मुझे सुनाओ। नहीं मैं गाना भूल गई। तो वो रिकॉर्ड बजाओ जिस पर लिखा है अनुराधा राय। वो भी खो गया। बड़ी जिद्दी, चल बैठ चुपचाप गाना सुन। चल चुपचाप गाना सुनो, बकबक मत करना। मैंने कहा डॉक्टर साहब। आप मुझसे कुछ कह रही हैं? जी नहीं, आपके फरिश्तों से। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप हाथ मदद करेंगे? जो एक खूबसूरत लड़की को देखकर मुस्कुरा भी नहीं सकता। अरे अरे आप तो हंसने लगे। मुस्कुराऊं तब जब आप खूबसूरत हूँ। तो क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? आप खूबसूरत नहीं हजूर, आप बहुत 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 खूबसूरत। चलो आज इतनी देर से क्यों है भला? सुनो मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या? आज पिताजी मेरी शादी की बात कर रहे थे। शादी किससे? उनके एक दोस्त का लड़का है, इंग्लैंड से पढ़कर आ रहा है। ओ क्या हुआ? अनु जो कुछ हो रहा है शायद ठीक ही हो रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। बताने का मौका ही नहीं मिला। इसकी कोई जरूरत है? जरूरी है अनु। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, एक ऐसा बदनसीब गांव जहां मेरी माँ बिना इलाज के मर गई थी। इसलिए नहीं कि घर में पैसे की कमी थी अनु, बल्कि इसलिए कि आसपास 20 कोस तक कोई डॉक्टर नहीं था। तब से मेरे पिताजी की यही आशा रही है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, देहात में प्रैक्टिस करूं, गांव वालों के दुख दूर करूं। ठीक ही तो है। मेरे लिए तो ठीक है, पर तुम्हारे लिए? शहर के सुख आराम छोड़कर तुम उस पिछड़ी दुनिया में क्या करोगे? तुम्हारे संगीत का क्या होगा, कौन सुनेगा उसे? तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरे संगीत। मैं तुम्हारे लिए नाचूंगी, तुम्हारे लिए गाऊंगी। अनु अनु फिर एक बार सोच, तो जल्दी ना करो। मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारे फैसले ने मुझे जिंदगी बख्श दी अनु।
मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ था। एक तरफ मेरा फर्ज था और दूसरी तरफ मेरी मजबूरी। मैं जानता था कि मैं अब तुम्हारे बिना, तुम्हारे संगीत के बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन सुनो, तुम्हारे पिताजी, उनकी तुम फिक्र ना करो। हाँ याद आया, वो तुम्हारी फीस कब पूछ रहे थे। तुम्हारा इलाज किया है, फीस भी तुम्हें से लूंगा। मुझसे कैसे? गाना सुनो। बस एक गीत से खुश हो जाओगे। क्यों खुश हो जाऊंगा? महीना भर इलाज किया है, महीना भर गाना सुनूंगा। सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मेरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मेरी सो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई। पल में पराई देखो हो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मूरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मूरी सो गई अखियाँ। मन उजियारा छाया जग उजियारा छाया, मन उजियारा छाया जग उजियारा छाया। जगमग दीप संजो गई अखियाँ, मैं तो जागी मूरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मूरी सो गई अखियाँ। कोई मन भाग जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मूरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मूरी सो गई अखियाँ। अरे दीपक, तू कब लौटा इंग्लैंड से? आज ही। आप ये जानकर खुश होंगे कि डिग्री मिलने के साथ ही मुझे सर्विस मिल गई। अच्छा है, बहुत अच्छा। तुम शायद यकीन न करो, कई दिनों से मैं तुम्हारी बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? वो कैसे चाचा जी? बताऊंगा बताऊंगा, अभी तो आए हो, थोड़ा आराम तो करो। बस आराम ही आराम है चाचा जी, आप बताइए ना। बात यह है, तुम तो जानते ही हो तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी हमारे कितने बड़े दोस्त थे। हम दोनों ने ये फैसला कर रखा था अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। जी, अब वो समय आ गया है बेटा। तुम बड़े हो गए, अनु भी ब्याहने लायक हो गई। मैं चाहता हूँ तुम दोनों अब एक हो जाओ। तुम्हारे पिताजी होते तो ये बात मैं उनसे करता, लेकिन अब यही समझ लो कि मैं अनु का ही नहीं तुम्हारा भी पिता हूँ। सोच क्या रहे? कुछ नहीं चाचा जी, इसे तो मैं खुशकिस्मती समझूंगा। लेकिन अनु, अनु से पूछ लिया? उसे क्या पूछना, मैं उसका पिता हूँ। उसके लिए अच्छा क्या या बुरा क्या, ये जानना मेरा काम है। संगीत अनु का जीवन है और तुम भी संगीत से प्यार करते हो। मुझे यकीन है वो बहुत सुखी रहेगी। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ हो तो जैसा आप ठीक समझे चाचा जी, जीते रहो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अनु से मिले? जी नहीं। तो जाओ मिल लो, और ये खुशखबरी भी तुम ही दे दो।
अच्छा चाचा जी। अनु कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ जितना जिंदगी में कभी नहीं हुआ। आज ही आए हो? आज नहीं, अभी सीधे एयरपोर्ट से यहाँ चला आ रहा हूँ। जानती हो क्यों? तुमसे, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। दीपक घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी थोड़ी कहूंगा गाने के लिए, इसके लिए सारी जिंदगी पड़ी है। तुम गाओगी, मैं सुनूंगा, तुम गाओ। मैं कितना खुशकिस्मत हूं अनु, जिंदगी में मुझे सब कुछ मिला, इज्जत मिली, डिग्री मिली, साथ साथ नौकरी भी मिल गई। सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। तुम्हारे पिताजी ने हमारी शादी पर हाँ कर दी है। मेरा ख्याल है तुम भी मुझे इसके नाकाबिल ना समझोगी। नहीं दीपक, तुम नहीं, मैं इसके नाकाबिल हूँ। क्या बात करती हो अनु? मैं ठीक कहती हूँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ। तुम? क्या ये सच? हाँ। कौन है वो खुशकिस्मत? एक डॉक्टर है, मैंने उनके साथ शादी करना तय किया है। ठीक, लेकिन तुम उनसे शादी करके खुश रहोगी? हाँ। तब मैं तुम्हारे रास्ते में मैं नहीं आना चाहता हूँ। ऐसे में तुमसे एक ही विनती है मेरी, मुझे इजाजत दो। मैं तुम्हारे पिताजी से कहूँ ये शादी मैं नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो पुराने ख्याल के आदमी है, हो सकता है गुस्से में आकर तुम्हें वो क्या कुछ कह रहा। वो सब कुछ तुम मुझे अपने ऊपर ले लेने दो। नहीं दीपक, ये बात मैं उन्हें आप ही कहूंगी, इसका जो भी नतीजा होगा खुद ही सहूंगी। सिर्फ तुम मुझे माफ कर दो। मेरे माफ करने ना करने का सवाल नहीं है अनु, मैं तुम्हें पाकर खुश होता, लेकिन अब खोकर होऊंगा, इसलिए इसमें तुम्हारी खुशी है। दीपक। हाँ अनु, जिंदगी में कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं चला हूँ, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के नाते नहीं, तुम दोनों की दोस्ती के नाते। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हारा हाथ दीपक के हाथ में दे रहा हूं। अनु तुमने एमए पास की है लेकिन दुनियादारी के मामले में बच्ची हो, शादी का मतलब भी समझती हो? जिंदगी को हमेशा के लिए एक आदमी के हवाले कर देना, संगीत तुम्हारा जीवन है, इस बात को दीपक ही समझता है। डॉक्टर क्या जाने जो चंद दिनों के लिए तुम्हारा इलाज करने चला आया, और वो क्या है तुम्हें क्या मालूम? मैं जानती हूँ पिताजी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ, तुम्हें इस घर या उस घर दोनों में से एक को चुनना होगा। पिताजी जाओ अपना काम करो। ए रामू के बच्चे, दरवाजा फिर खुला छोड़ रखा है। तुम क्या हुआ? मैं तुम्हारे पास चली आई हूँ हमेशा के लिए। अनु? हाँ, उस दिन मैंने एक लड़के की बात की थी ना, जिससे पिताजी मेरा ब्याह करना चाहते हैं, वो विलायत से आ गया है। मैंने जब पिताजी से तुम्हारे बारे में कहा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे इस घर या उस घर दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। तुमने? मैंने इस घर को चुन लिया। अनु, आज तुमने मुझे जो मान दिया है मैं उसे कभी भुला नहीं सकूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कभी अपने फैसले पर अफसोस नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठा के रखूंगा, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा।
क्या सोच रहे हो? वही जो तुम सोच रही हो। अच्छी शादी, ना बाजा, ना शहनाई, ना मीत, ना भाई, अपना तो कोई था ही नहीं। जो तुम्हारे थे वो भी खो दिए। हाँ, मगर मैं तो ये नहीं सोच रही हूँ, मैं तो सोच रही हूँ आज का दिन कितना शुभ है मेरे लिए, मैं कितनी खुश हूँ। क्या हुआ अगर किसी ने हमें नहीं अपनाया? हमने तो एक दूसरे को अपना लिया। हाँ, तुम ठीक ही तो कह रही हो, अपना स्वर्ग तो इंसान खुद ही बनाता है। अपनी छोटी सी धरती, अपना ही आकाश, हम भी अपना स्वर खुद ही बनाएंगे। मैं भी बाजार जाकर फूल लाता हूँ, हम दोनों मिलकर अपनी सेज सजाएंगे। जब तक तुम कपड़े बदल दो, और देखो वही साड़ी पहनना जिसमें पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, और जिसने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया है। गाना तो खत्म हो गया। हाँ, गाना खत्म हो गया। चलो खाना खा लो। जरा ठहरो, अभी आता हूँ। इस घनश्याम की बीमारी ने बहुत परेशान कर रखा है, बस ठीक होना नहीं आती। ये सब बाद में सोचना, हमें भूख लगी है, चलो। ये क्या मजाक, किताब कौन छीली? देख नहीं रहे मैं काम कर रहा हूँ? ऐसी भूख है, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। सुनो, निर्मल चौधरी कहाँ रहते हैं? निर्मल चौधरी? निर्मल चौधरी? हाँ हाँ, निर्मल चौधरी। हाँ हाँ हाँ, अजीब सा नाम है निर्मल चौधरी। सुनो भाई, तुमने निर्मल चौधरी नाम का कोई आदमी सुना है? ये मैं खुद परदेसी। सुन लिया आपने, यहाँ निर्मल चौधरी कोई नहीं रहता। सुखनंदन लाल रहता है। सुखनंदन लाल? हाँ, सुखनंदन लाल। हाँ हाँ हाँ, सुखनंदन लाल। सुखनंदन लाल का निर्मल चौधरी से क्या ताल्लुक? उसके साथ कुछ होया ना, आपसे जरूर ताल्लुक मालूम होता है। ऐसी फजूलता चेहरा, कभी हंसता नहीं, कुछ समझा का बेटा है। अरे बदतमीज हो, मैं निर्मल चौधरी का पता पूछना चाहता हूँ, जो मेरे दामाद है और यहाँ डॉक्टरी करते हैं। डॉक्टर साहब? अरे तो डॉक्टर कहो ने, निर्मल चौधरी, निर्मल चौधरी क्या लगा रखा है? अरे साहब, जो आदमी इस कस्बे में डॉक्टर साहब का पता नहीं जानता, वो या तो नया है या पागल है। आप? मैं नया आया हूँ, डॉक्टर कहाँ है? इसकी भी पूछने की जरूरत है? अरे साहब, डॉक्टर वही होगा जहाँ गंदगी होगी, जहाँ मक्खियाँ भिन भिना रही होंगी, जहाँ 15-20 मरीज बैठे हुए। क्या बकवास कर रहे हो?
मैं डॉक्टर के घर का पता पूछ रहा हूँ। घर का पता? अरे साहब ये तो कोई भी बता देगा कि इमाम वाले के पास नान पाले में रहता है। वो देखिए ये आप सीधा रास्ता देख रहे हैं तो इसी पे सीधे जाइए और उसके बाद दाहिनी तरफ मुड़ जाइए और फिर दाहिनी तरफ मुड़ जाइए और फिर बाईं तरफ मुड़ जाइए, वहाँ एक गली आएगी है ना। अरे फिर वहाँ किसी से पूछिए बता देगा। मैं तरह जल्दी हूँ। बदतमीज पाजी कहीं का। किसकी बेटी हो? पिताजी की। वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? इतना मोटा चश्मा पहना फिर भी दिखाई नहीं दिया, देखा नहीं आज क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर निर्मल चौधरी। वो तुमसे मिलेंगे नहीं। क्यों मिलेंगे क्यों नहीं? बाहर गए है ना। ओह तुम्हारी माँ कहाँ है? बाजार गई है। बाजार? बाजार तुम्हारी माँ को जाना पड़ता है? हाँ माँ बाजार नहीं जाएगी तो हम खाएंगे कैसे? बाजार जाएगी, सौदा लाएगी, खाना बनाएगी, फिर पिताजी आएंगे, उससे झगड़ा करेगी, फिर खाना खिलाएगी। तुम इतना बकबक क्यों करते हो? बकबक मैं करता हूँ? आओ नहीं तो तुम बीमार हो। हाँ। आओ जरा मैं देखती हूँ। बैठो। आती खा। बाप रे कितना भारी हाथ, रहने दो पिताजी देखेंगे। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? रानू। रानू? हाँ। कितना मीठा, कितना प्यारा सा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विजेश्वर प्रसाद राय। बाप रे हाथ भी भारी नाम भी भारी, बोलने में तकलीफ नहीं होती? तकलीफ तो होती है रानू। तुम्हें क्या बीमारी है? मुझे मुझे रात नींद नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। चुन्नू और मीना बहुत लड़ते हैं ना। चुन्नू और मीना तुम्हारे भाई बहन है क्या? बोले मैं शर्म नहीं आती, चुन्नू मेरा बेटा और मीना मेरा बेटी। अच्छा मुझे दिखाओ। आओ आओ चलो चलो मेरे साथ आओ। अरे मैं कैसे अंदर जाऊंगा? ऐसे ऐसे। ये देखो ये मेरा बेटा और ये मेरा बेटी। वाह वाह वाह, ये क्या है, किसने बनाया? माँ ने। ये मेरा नाना का घर है, देखो ना टूट गया। ये क्या है, बांसुरी? नहीं। तो कान में लगाओ, आंख बंद करो। किससे बातें कर रही है रानू? मरीज के साथ। मरीज? कैसा मरीज? छोटा सा मरीज। यहाँ कैसे आया? घुटनों के बल। आइए पिताजी ऊपर आइए। रानू ये तुम्हारे नाना है, इन्हें ऊपर ले जाओ। चलो नाना ऊपर चलो। हाँ 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 नहीं नाना तुम मेरे नाना हो, चलो नाना ऊपर चलो। रानू बिटिया ने ठीक ही कहा था अनु, मैं घुटनों के बल आया हूँ तुम लोगों से क्षमा मांगने। ऐसा न कहिए पिताजी। नहीं बेटा, जब जिंदगी में हार ही गए तो क्यों न इस हार को मान लिया जाए। तुमने अपना पराया चुन लिया, तुम्हारे भैया ने अपनी मर्जी की मेम कर ली विलायत में और मैंने जान लिया, मेरा समय अब लग गया, अब तुम दोनों का जमाना है, इसलिए चला आया हूं तुम दोनों को अपनाने के लिए। इसमें अपनाने की क्या बात है पिताजी, हम तो तब भी आपके थे अब भी आपके हैं। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछ लेना चाहता हूँ, निर्मल से शादी करके तुम्हें क्या पाया? न वो रंग रहा तुम्हारा, न वो रूप, न कोई जेवर, न कोई कपड़ा, न नौकर न चाकर, सौदा खरीदने भी तुम्हें खुद जाना पड़ता है, आखिर इस सौदे में तुम्हें मिला क्या? खुशी पिताजी। सच कहती हो? हाँ। इधर देखो मेरी तरफ देखो। किसी के सुख को अपना सुख,
किसी के दुख को अपना दुख बना लेने से बढ़कर बड़ी खुशी और क्या होगी पिताजी? ऐसा ही है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। आप जीते रहो बेटा, मुझे उम्मीद है अब तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। मैंने जो तुम दोनों के साथ अन्याय किया है उसका मुझे सख्त अफसोस है। नहीं नहीं बाबूजी, आप अपनी तरफ से तो ठीक ही कह रहे थे। खैर, मैंने अपनी इस भूल की खुद भी बड़ी सजा पाई है। मेरी मानो तो तुम दोनों अब शहर चले आओ मेरे पास। आपका हुक्म सर आंखों पर बाबूजी, लेकिन गांव में बीमारी फैल रही है, फिलहाल मेरा आना जरा मुश्किल है। आप ऐसा कीजिए, अनु को अपने साथ ले जाइए, मैं थोड़े दिन बाद आ जाऊँ। ठीक है, अभी अनु चली आए। मैं भी एकदम कैसे जा सकती हूँ पिताजी, इन्हें तकलीफ होगी। बिल्कुल बच्चों की तरह तो इनके खाने पहनने का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों नहीं आप यहाँ रह जाते हमारे पास? इससे बड़ी खुशी और मुझे क्या हो सकती है बेटा, लेकिन इतना बड़ा मकान अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। अगर तुम दोनों नहीं आ सकते तो मैं रानू को ले जाता हूँ, फिर तो तुम जरूर आओगे। पिताजी, पिताजी, ये देखो, जैसे तुम मेरा पिताजी हो ना, ऐसे ये भी माँ का पिताजी है। हाँ बेटा, ये देखो पिताजी, ये हाँ है और माँ कहती है नाना है। माँ, तुम अपने पिताजी को ज्यादा प्यार करती हो कि मेरे पिताजी को? चुप रहो रानू, तुझे क्या हो गया, हर वक्त बक बक करती रहती हो। बक 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 तुम करते हो। आओ बिटिया, ये तुम्हें प्यार नहीं करते, मैं करता हूँ। क्या हुआ? हाँ फिर, हाँ लड़का चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, मुझे बचाओ। लोग दौड़े आए, मैंने देखा वहां न शेर न सवा शेर, लड़का हंस रहा था। और लोग कह रहे थे फिर जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? एक दिन सच्ची शेर चलाया, लड़का चलाया, शेर शेर मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन वहां कोई नहीं आया। शेर घबराया, क्या बाकी वहां चल के सुनाएंगे शहर में। जीते रहो, जीते रहो बेटा। अनु तू जरा जल्दी आने की कोशिश करना। अच्छा पिताजी। रानी, नाना जी की ठीक से देखभाल करना। हाँ हाँ, तुम मेरे पिताजी की ठीक से देखभाल करना, मैं तुम्हारे पिताजी की देखभाल करूंगी। बहुत बकी है, नाना जी को रास्ते में तंग नहीं करना। चलो भाई। अच्छा तो किसी लिखोगे? लिखोगे ना? कितनी चिट्ठी लिखोगे? 2, 3, 4। कोई न पूछे थी हाल रे, तुम मेरे लाल यूं ना हो बेहाल। आए थे अकेले हम, जाएंगे अकेले, घड़ी दो घड़ी के हैं दुनिया के मेले। रैन बसेरा यहाँ सोच समझ दे रा डाल दे, सुन मेरे लाल यूं ना हो बेहाल। ईत भी यहाँ की झूठी, ईत भी झूठे, सपनों के संग यहाँ दिल सदा टूटे। मोहन करियो रे अपने को देख संभाल रे, सुन मेरे लाल यूं ना हो बेहाल। Thank you.
कम क्यों कर दिया? अच्छा नहीं लगता? ये क्यों? इसलिए कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो। अभी तो सड़क को आंखों के सामने रखो तो अच्छा है। डरो मत, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें खो दूं। ये तो मैंने ऐसे कहा जैसे तुम्हें पा चुकी हूँ। अच्छा दीदी, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते ना? ये बात नहीं है सीमा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों? यही जानने के लिए आज तुम्हें इतनी दूर खींच कर लाए हूँ। क्यों खोए खोए से रहते हो? आखिर किस बात की कमी है तुम्हें? ऐसे लोग भी तो पड़े हैं सीमा, तुम जिनके जी के पसंद हो जाता है, दिल जिनका रुक रुक कर बंद हो जाता है, रातों को जिन्हें नींद नहीं आती। अजीब आदमी हो तुम, जितना ही तुम्हें पास लाने का जतन करती हूँ उतना ही तुम दूर होते जाते हो। और तुमसे भी ज्यादा अजीब मैं हूँ, जितना तुम दूर होते जाते हो उतना मैं तुम्हारे पास होती जाती हूँ। मुझे कितना अभिमान था, मैं करोड़पति की लड़की हूँ, अपनी सभ्यता अपनी पढ़ाई लिखाई पर मुझे कितना नाज था, लेकिन तुम्हारे सामने आकर सब कुछ राख हो गया। दीपक, ये पतंगा किस शान से आता है और कैसे जान से चला जाता है? भगवान के लिए बताओ दीपक, तुम्हें क्या दुख है, क्या बात है जिसे भूल नहीं सकते? बताना ही पड़ेगा। हाँ, आज ही, अभी। उस दुख को मैं भूल सकता हूँ सीमा, मगर भूलना नहीं चाहता। क्यों, आखिर किस लिए? बताओ, बताओ ना। सीमा! पीछे हटो भाई, भीड़ हटाओ। रतन जी, रुक, लड़की बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है, इसको हिलाना जुलाना भी ठीक नहीं है। हाँ, बहुत एहतियात से उठा के इस जमींदार साहब के घर ले चलो। अच्छा, वहाँ जाके कह देना कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, तुम लोग मेरे साथ आओ, उन साहब को उठा के मेरे घर ले चलो। उठाइए आप लोग, चलिए चलिए। चलो उधर ले चलो, आठ मिनट आ जाना, बस बस ज्यादा नहीं। कौन है ये, क्या हुआ? बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? ये आदमी एक लड़की के साथ कार में आ रहा था, कार पेट से टकरा गई। लड़के को तो ज्यादा चोट नहीं आई मगर लड़की बहुत बुरी तरह से जख्मी हुई, जमींदार के यहाँ पड़ी। जान का खतरा तो नहीं? नहीं, बच तो जाएगी लेकिन ऑपरेशन करना। सुनो, इसे अपने पास रखो, जब वो लड़का होश में आए तो उसे एक गोली दे देना, मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना, ये दो चार घंटे लग जाएंगे। बाप रे, क्या एक्सीडेंट हुआ सर? ये तो बच गया, बुरी तरह जख्मी हुई लड़की है। होगा नहीं, आप लोग सब जाइए, इन्हें मैं देख लूंगी। कैसे हो दीपक? अनु, अनुराधा, मधुर हो दीपक। सीमा, सीमा कहाँ है? सीमा? ओ, वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी, वो जमींदार के यहाँ है, मेरे पति उनका ऑपरेशन करने गए हैं। ऑपरेशन? हाँ, घबराओ मत, जान का कोई खतरा नहीं, लो दवा खा लो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है अनु, क्या ये सच है? तुम जब एक्सीडेंट हुआ तो आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा गया था,
लेकिन आंख खुली तो उजाला देखा सामने। अच्छा अच्छा ये लो, बहुत बातें ठीक नहीं तुम्हारे लिए। सुनो ये सीमा तुम्हारी नहीं अनु, कोशिश कर रही है। अरे मैं समझती थी तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। कहाँ, किसी ने पसंद ही नहीं किया। ये सब बातें, कोई भी लड़की तुम्हें पाकर अपने आप को खुशकिस्मत समझेगी। लेकिन जिसे पाकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता वो तो न मिले। खैर हटाओ ये सब, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मैं जानता था कोई मुसीबत कोई अमंगल तुम्हारे पास नहीं आ सकता, इसलिए कि तुम खुद संगीत हो, और इसीलिए मैं तुम्हें खो देने का दुख भी सह सकता। अब दुख है तो सिर्फ इतना, तुम्हारे साथ मेरा संगीत भी चला गया हमेशा हमेशा। देखो फिर तुम बातें किए जा रहे हो, क्या थोड़ी देर के लिए मुंह बंद नहीं कर सकते? एक शर्त पर। क्या शर्त? एक गाना सुना दो अनुराधा। नहीं नहीं मैं यहाँ ऑपरेशन नहीं करने दूंगी, किसी भी हालत में नहीं। मेरे पिताजी को तार भेजिए, वो कर्नल त्रिवेदी को लाएंगे। तुम्हारे पिताजी को सुबह ही तार भेज दिया गया बेटी, लेकिन उनके यहाँ पहुँचने में तो कई दिन लग जाएंगे। लगने दीजिए, मेरा ऑपरेशन कर्नल त्रिवेदी ही करेंगे। ये एक डॉक्टर की हैसियत से मेरा फर्ज है कि मैं आपका फौरन ऑपरेशन करूं, ये करने से जान का खतरा है। जी नहीं, आप ही के ऑपरेशन करने में खतरा है, जिंदगी भर मुंह पर दाग रह जाएगा, ये मुंह मैं किसी को दिखा नहीं पाऊंगी। मुंह की बजाय जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ बेटी, हमारे डॉक्टर साहब साक्षात देवता है देवता, ये जो कुछ भी करेंगे तुम्हारे भलाई के लिए करेंगे। आपके देवता पर मुझे कोई भरोसा नहीं, एक मामूली डॉक्टर से मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। छी बेटी, डॉक्टर साहब को ऐसे ना कीजिए, मरीजों की बकबक सुनने का मैं आदी हो चुका हूँ। आप बैठिए, इधर कीजिए हाथ। क्या आप जबरदस्ती मेरा ऑपरेशन करेंगे? हाथ इधर कीजिए। नहीं नहीं, पकड़ो इनका हाथ। नहीं 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 नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी। ये कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, मैं ठीक हूँ। सीमा कैसी? चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन देर लगेगी, काफी मुद्दत तक उन्हें बिस्तर पर लेटे रहना पड़ेगा। तो क्या बहुत लगी है उसे? तीन पसलियां टूट गई और कांच का एक टुकड़ा गाल को चीरता हुआ निकल गया है। वो तो ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हो रही थी, मुझे जबरदस्ती करना पड़ा। तब तो उसके पिताजी को फौरन इत्तला दे देनी चाहिए। हाँ वो तो दे दी गई है। कहिए आपको कहीं दर्द वर्द नहीं हो रहा है? होता है थोड़ा थोड़ा, ये बाजू में। मैं स्लिंग में डाल दूंगा, आप शुक्र कीजिए बच गए, वरना ऐसी ऐसी रेंज में तो कुछ भी हो सकता था। इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, मेरी धर्म पत्नी अनुराधा, और आप हैं लोटी पर। तो एक दूसरे को जानते हो? हाँ डॉक्टर साहब, इससे बहुत पहले कि आपने जानना शुरू किया। एक्सीडेंट वो नहीं है, ये डॉक्टर साहब इनके संगीत का शौकीन जितना मैं हूँ उतना दुनिया में कोई था ना है ना। ओह फर्स्ट क्लास, तब तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है, आप मेरे मरीज नहीं मेहमान है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपका मेहमान होना नहीं चाहता, मुझे और कहीं भेज दीजिए। आपकी बीवी मेरी वो खातिर नहीं कर रही है जो मेहमानों की करनी चाहिए। देखिए ना, मैंने गाने के लिए कहा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अनुराधा ये तो बहुत बुरी बात है, मेहमानों के लिए तो लोग अपनी जान तक दे दिया करते हैं। सुनाओ गाना, इसी बहाने मैं भी सुन लूंगा, बहुत दिन हो गए तुम्हारा गाना। नहीं मैं गाना भूल गई, तुम्हें याद दिला देता हूँ, वो सुनो। हम सब वो जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां। उसके बाद मैं तो हूँ जागी मुरी सो गई है। हाँ यही बिल्कुल ठीक। अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, पल में पराई देखो कोई। हाँ वंडरफुल, आपको तो सब याद है। अनु आप कोई बहाना नहीं चलेगा, गाओ गाओ गाओ। दीपक बाबू जो कुछ इन्हें भूल गया है आप याद दिला दीजिए। हाँ यही करना पड़ेगा। क्या अनु गाना सुना? ये नहीं, मैं दूसरा गीत सुनाऊंगी। हाँ।
कैसे दिन बीते कैसे बीती रतियाँ पिया जाने ना हाय कैसे दिन बीते कैसे बीती रतियाँ पिया जाने ना सारी सारी रहना निंदिया ना आई जान के देखो मेरे जी के बतिया पिया जाने ना हाय कैसे दिन बीते कैसे बीती रतिया पिया जाने ना मतवाली आके चली जाए रुत मतवाली आके चली जाए मन में ही मेरे मन की रही जाए खिलने को तरसे नन्ही नन्ही कलियां पिया जाने ना हाय कैसे दिन वही आवाज वही मचलते हुए सुर बनते बनते एकदम शायर हो गए अनु आओ मेरे पास बैठ इतने चार दिनों से देख रही हूँ ये गाने की किताब तुमसे छूटी नहीं रही है हाँ अनु ये देखो ये गाना याद है ये गाना गाकर तुम म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट आई थी और वो देखो वो कब वो उधर वाला तुम्हें इनाम में मिला था और ये देखो ये गीत तुमने ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गाया था 5 मिनट तक तालियां बजती रही मैंने 6 मिनट तक बजाई थी और ये देखो ये गाना तुमने अपने जन्मदिन पर गाया था याद है अगले ही रोज सुबह सवेरे मैं फिर तुमसे सुनने चला आया था तुम्हें एक एक सब याद है अनु मैं कभी भूल सकता हूँ ये गीत जो मेरी याद बन गए याद ही रह गए इन्हीं यादों के सहारे तो मैं आज तक जिंदा रहा हूँ तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला सोना चाहे बरसों मिट्टी में पड़ा रहे सोना ही रहता है आज भी तुम्हारे गले में वही लोच आवाज में वही जादू जिसे सुनकर हवा में हरकतें थम जाती रह जाते मुसाफिर का राह बदल चलो ये भी अच्छा है 10 बरस के बाद कोई तो आया जिसने मुझे बताया मैं अब भी गा सकती हूँ अब भी किसी के मन में जादू जगा सकती हूँ मगर तुमने सोने को मिट्टी में क्यों मिलने दिया क्यों इतनी बड़ी प्रतिभा का गला घोंट कर रख दिया
तुम्हें संगीत से मोहब्बत थी, इसे पाने के लिए तुमने मेहनत की और तुम्हें कामयाबी भी मिली, फिर तुमने इसे खत्म क्यों कर दिया? बोलो, इसका कोई जवाब है तो दो। मत भूलो अनु, भगवान ने जिंदगी तो हमें से लाखों कीड़े मकोड़ों को दिए, लेकिन प्रतिभा लाखों में से एक। इस प्रतिभा से मुंह मोड़ कर तुम अपनी नहीं भगवान की तौहीन कर रही हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने घर अपने संसार की तरफ फर्ज अदा कर रही हूँ। मेरे पति हैं मेरे स्वामी। स्वामी? मैंने सब देख लिया अनु, मुझसे मत छिपो। इस गांव के पास अच्छा डॉक्टर है लेकिन तुम्हारे पास स्वामी नहीं। रही संसार की बात तो क्या तुम इसलिए पैदा हुई थी? खाना बनाओ, बर्तन साफ करो और बिस्तर बिछाओ। इन सब की तरफ तुम्हारा फर्ज है कि अपनी तरफ कोई फर्ज नहीं। अनु, तुम्हारी किताबों पर धूल, बीना पर मिट्टी, संगीत पर गर्द, सबको धो बनाकर तुम्हें उजला करना पड़ेगा। ये सब बंद करो दीपक, बंद करो। नहीं अनु, अब भी वक्त, लौट चलो, लौट चलो अपने पिता के पास, बुला लो अपने संगीत को वापस। तुम्हारा असली रूप मिसेस निर्मल चौधरी नहीं, अनुराधा राय। उस मासूम अनुराधा का घात कर देने का तुम्हें कोई हक नहीं। क्या तुम मुझे तबाह करने पे तुल गए हो? मेरा घर बर्बाद करना चाहते हो? मेरे चाहने की बात जाने दो अनुराधा, लेकिन तुम्हारा घर, तुम्हारा घर तो कभी बना ही नहीं, तो बर्बाद क्या होगा? तुम अपने आप को धोखा मत दो अनु, तुम्हारी कल्पना का आकाश नजर का धोखा है। उससे नीचे उतरो और आओ धरती पर। मैं जानता हूँ एक डॉक्टर पत्नी को खो बैठेगा पर देश को एक बहुत बड़ी प्रतिभा मिल जाएगी। ये सब बातें करने की तुम्हें हिम्मत कैसे पड़ी? ये हिम्मत मेरी सच्चाई ने पैदा की है और मेरे फर्ज ने बढ़ाई है। तुम्हारे फर्ज ने ये सब किया है तो एक सच्चाई मेरे फर्ज ने भी बताई है, वो भी सुनो। ये मेरे पति का घर है, यहाँ रहकर तुम्हें उनका अपमान करने का कोई हक नहीं। इससे अच्छा है तुम यहाँ से चले जाओ। ये दीपक बाबू, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। गुड। डॉक्टर साहब इजाजत दीजिए, आज मैं चला जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं कैसे इजाजत दे सकता हूँ? आप तो अनु के मेहमान हैं। उन्होंने अगर इजाजत दे दी हो तो। उन्होंने? नामुमकिन है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन आप ऐसे जल्दी भी क्या है? मिस वर्मा के पिताजी को आ जाने दीजिए, तो चले जाइए। बाय द वे अनु ने दवाई दी आपको? नहीं दी ना। इन दिनों से देख रहा हूँ बड़ी लापरवाह होती जा रही है। अच्छी बात, मैं अभी भी जाऊँ। अनु, मैं दीपक बाबू को दवाई नहीं दी? नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कंपाउंडर नहीं हूँ। आज बड़े गुस्से में नजर आती। क्यों ना हो, दिन काम रात काम हर वक्त काम ही काम। जानते हो आज क्या दिन है? आज बड़ा शुभ दिन है, मंगल है। मैं पूछती हूँ आज तारीख क्या है? 7 नवंबर। क्या हुआ था 7 नवंबर के दिन? 7 नवंबर शायद डॉक्टर लुई पेस्टर का जन्म हुआ। शादी नहीं हुई किसी की? शादियां तो उस दिन हजारों हुई होंगी। हमारी भी तो शादी हुई थी उसी दिन। उसे तो तुम भूल गए, कम से कम उसकी याद ही ताजी कर लो। कुछ तो हो जिसके सहारे मैं भी जी सकूं। हाँ जरूर, मैं आज शाम को पूरे 8 बजे घर आ जाऊंगा और फिर घूमने चलेंगे, नदी किनारे जाएंगे, जहाँ तुम चाहोगे। तुम्हें पूरे 8 बजे तैयार हो जाना। अच्छा बात सुनो, तुम ये मरीजों को दवाई देना क्यों भूल जाती हो? तुम बीवी हो या कंपाउंडर? ये पकड़ो। दवाई रख दी, एक गोली 8 बजे, दूसरी 10 बजे। सुनो, कल सुबह मैं इधर से जा रहा हूं, इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता। तुम मुझे गलत समझ गई अनु। ये ठीक है, मैं अनुराधा से प्यार करता था, करता हूं और जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा। लेकिन तुम तो वो अनुराधा नहीं, तुम तो सिर्फ एक डॉक्टर की बीवी हो। वो अनुराधा तो कभी की मर चुकी, जो हम दोनों के एक सी प्यारी थी।
मैं उसे जिंदगी नहीं दे सकता अनु, लेकिन तुम चाहो तो उसे फिर से जिंदा कर सकती। मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ अनु, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपनी प्रतिभा को नष्ट न होने दो। तुम गलत समझ रहे हो दीपक, तुमने कहा उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। अगर तुम्हारी बात ठीक होती तो आज ही सुबह क्यों वो मुझे शादी की तारीख याद दिलाते, जिसे मैं भूल चुकी हूँ, क्यों बिनती करके मुझे अपने साथ बाहर ले जाने के लिए कहते। तुमने जो कुछ कहा उसमें इतना सा भी सच नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जागे हुए को होश में लाना। डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा है, मरीज की हालत खराब है इसलिए वो अभी नहीं आ पाएंगे, सवेरे आएंगे। नमस्ते। सुनो, तुम अपने आप को धोखा दोगी, अब भी उसी ख्वाब की दुनिया में रहोगी जिसकी कोई हकीकत नहीं। मैं तुमसे फिर एक बार कहना चाहता हूं अनु, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं, अपनी प्रतिभा को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं। रात आंखों में कटी। क्या हुआ? इससे क्यों बैठी? एक सिर्फ एक दिन के लिए तू मेरी बात नहीं रख सके। कौन सी बात? ओ, शादी की सालगिरह। तुम समझती हो मैं कहीं खेलने गया हुआ था? आखिर एक डॉक्टर हूं, मरीजों की टहल सेवा करना मेरा सबसे पहला फर्ज है। अब इस तरह मत देखो मेरी तरफ, मुझे जरा आराम कर। डॉक्टर साहब। कौन? मैं माधो, जिम्मेदार साहब ने भेजा है। ओ, माधो, क्या बात है? आपको अभी बुलाया है, शहर से बड़े डॉक्टर साहब आ गए। अच्छा, मैं आता हूं। तुम जा रहे हो? हाँ अनु,
मैं पिताजी के पास लौट जाना चाहती हूँ। अनु? हाँ, तुमने ठीक ही कहा था। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं इसे और तबाह नहीं करना चाहती। ओ, मैं तुम्हारे इस फैसले से सुखी तो नहीं, लेकिन खुश जरूर हुआ। इसके बाद मेरा इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं डाक बंगले में चला जाता हूँ, तुम तैयार होकर उधर आ जाना। किसने किया ऑपरेशन? किसने किया ऑपरेशन जी? अपने ही गांव का डॉक्टर निर्मल, निर्मल चौधरी। अरे निर्मल, आओ आओ। तो आप हैं डॉक्टर निर्मल चौधरी जी? जी हाँ। जिम्मेदार साहब ने बताया कि सीमा की तीन पसलियां टूट गई और एक कांच का टुकड़ा उसके गाल को चीर गया। जी हाँ, सही फरमाया आपने। लेकिन गाल पे तो कोई निशान नहीं है। आप डर रही थी मुंह पे दाग रह जाएगा, इसलिए मैंने स्किन ग्राफ्ट कर दिया। स्किन ग्राफ्ट कर दिया जी? यानी प्लास्टिक सर्जरी? जी। आपको जरूरत कैसे हुई, हिम्मत कैसे पड़ी जी? आप जानते हैं आपने क्या किया? आपने ऑपरेशन नहीं किया, मुझे परेशान कर दिया। मैं आपका मतलब नहीं समझ। मतलब ये कि मुझे बहुत घमंड था कि ऐसा ऑपरेशन इस देश में मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। आपने ऑपरेशन करके मेरी सारी अकल खात में मिला दी। क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह, मैं हैरान हूं इस गांव में रहकर आपने किया कैसे, सीखा कहां से? जी मैं कुछ फॉरेन मेडिकल जर्नल्स मंगाता हूं, उनको उलट पलट के देखते रहता हूं। अपनी छोटी सी लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी है? मैं अभी देखना चाहता हूँ। अभी थोड़ा आराम कर लीजिए कर्नल साहब, इतनी दूर से आए हैं, शाम को जाकर देखा लीजिएगा। शाम को? हाँ ठीक है। डॉक्टर चौधरी, आपकी शादी हो गई जी? बीवी है जी? मेरा मतलब बीवी यही है जी? हाँ। अब तो आपके घर भी जाना पड़ेगा और खाना भी खाना पड़ेगा। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी। खुशकिस्मती होगी या बदकिस्मती, ये तो उस वक्त पता चलेगा जब मैं खाऊंगा। अरे मैं तो आपका इनसे परिचय कराना भूल गया। ये हमारे पुराने मित्र हिलाल वर्मा। आप तो सिर्फ पति हैं, ये करोड़ों पति हैं। इनकी दौलत की कोई सीमा नहीं। हाँ, ये सीमा जिसे आपने नई जिंदगी दी है, जरूर इनकी दौलत है। आप भी खाने पे जरूर तशरीफ आइएगा। जी हाँ जरूर जी। और साथ साथ फीस भी लेते आइएगा। आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं कर्नल साहब? अरे इसीलिए तो आप जैसे डॉक्टर भूखे मरते हैं। ऐसा मोटा मुर्गा साल में तो क्या जिंदगी में एक बार फंसता है। खाने में मुर्गा होगा क्या? हाँ सब कुछ होगा, मगर आपको नहीं मिलेगा। खाना नहीं खाना तो क्या झक मारने जाना? तो फिर मैं यहीं रहूंगा। डॉक्टर साहब, मैंने आपका कितना अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। सीमा बेटी जाना जिन बातों को, डॉक्टर घर जान दो। अभी इस बेचारे को मटर पनीर अंडा मच्छी गोश्त न जाने क्या क्या खरीदना शाम की दावत के लिए। तुम्हारे मुंह से इस डॉक्टर की तारीफ सुनकर मैं तो बेवकूफ बन गया। बेवकूफ बन गया? हाँ। अरे तुम तो हो ही बेवकूफ। बेवकूफ तो मैं बन गया। सोचो तो, शहर से दूर एक गांव में ऐसा डॉक्टर। डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्या तकलीफ है? बहुत बुरी हालत है डॉक्टर साहब, पिछले 1.5 महीने से। ओ समझा, मछली आती है? थोड़ी थोड़ी। खट्टी मीठी चीज खाने को जी नहीं करता? डॉक्टर साहब तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुश? हाँ क्यों? क्योंकि तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। बच्चा? डॉक्टर साहब मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, बच्चा नहीं। ओ अच्छा अच्छा, डिस्पेंसरी में आ जाना, मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा। राधा, राधा,
अरे ये सब क्या करिए, छोड़ो ये सब, खाना लगाओ मेरे लिए। एकदम खाना खा के लंबी तान के सो जाऊंगा और शाम के 6 बजे तक सोया रहूंगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे तुम क्या कहना चाहती हो, मेरी सुनो। जानती हो कर्नल त्रिवेदी ने आज मुझे क्या सर्टिफिकेट दिया है? हमेशा आप नहीं सुनाते रहोगे, कभी मेरी नहीं सुनोगे। क्या बात है बताओ। मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। समझ गया, रानू की याद आ रही है ना। हाँ तो जाओ पिताजी के पास, कुछ दिनों के लिए जाना ही चाहिए। कुछ दिनों के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। हमेशा के लिए? मैं अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, अपना घर, अपना भाई, अपना बाप, अपने जीवन से भी बड़ा अपना संगीत, सब छोड़कर, ताकि तुम्हें पा सकूं। लेकिन लेकिन मैं तुमको भी नहीं पा सकी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारी जिंदगी को अपनी जिंदगी से अलग कभी सोचा ही नहीं, हमेशा एक ही समझा। झूठ, ये सब झूठ है। तुमने उन्हें एक समझा होता तो तुम मेरी जिंदगी के सुनेपन को जान लेते, मेरे इस दुख को समझ लेते। लेकिन अनु, मैंने जो कुछ भी किया है जानबूझकर तो नहीं किया। अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं कर सका तो अपना भी तो नहीं किया। मैं क्या करूं अनु, मेरा काम ही ऐसा। काम? हमेशा तुम जिंदगी को अपनी नजर से देखते रहे और भूल ही गए कि मेरी भी कोई ख्वाहिश है, मेरा भी कोई जीवन है। तुम्हारे मरीजों को अगर एक ही जिंदगी जीने को मिली है तो मुझे भी एक ही मिली है, दो चार नहीं मिली। और मैं इस दोबारा हाथ में आने वाली जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। मैं पिताजी के पास जा रही हूँ ताकि अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकूँ, अपने संगीत को फिर से अपना सकूँ। मुझे यकीन है कि तुम मेरे बगैर अपने आप को अकेला नहीं महसूस करोगे। बिस्तर बिछाने और खाना बनाने के लिए तुम्हें बहुत से आदमी मिल जाएंगे। आज दोपहर के वक्त दीपक जा रहा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अब तुम रोकने की कोशिश मत करना। नहीं अनु, मैं जानता हूं शायद अब मुझे तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन एक विनती है। जहां तुमने 10 साल तक ये जुल्म बर्दाश्त किया है, आज इन 10 सालों में एक दिन और बढ़ा दो। आज न जाओ। गणन त्रिवेदी और उनके कुछ साथी आशाम को यहाँ आ रहे हैं। खुद ही उन लोगों ने अपने आप को खाने पर बुला लिया है और वो जानते हैं कि तुम यहीं। ठीक है, मैं दीपक को खबर किए देती हूँ, लेकिन कल सुबह मैं चली जाऊंगी। आप जरा अंदर तशरीफ रखिए, मैं अभी आता हूं। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? जी, बीवी को खबर करना। अरे भाई खैरियत तो है, कोई खतरे की बात तो नहीं है? जाइए जाइए डॉक्टर साहब, इनकी बातों में मत आइए, जाइए। अरे कर्नल तुम तो बस। मैं क्या गलत कह रहा हूँ हीरालाल? जूता कैसे बीवी के पैरी में थोड़ी होता है, किसी के हाथों में किसी की निगाहों में होता है ना। अच्छा अच्छा सुनो, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, न जाने बहू की है खाने की है। चल चल। Oh.
अनुराधा राय इनमें, ये तो वही कहानी। तुमने कुछ कहा कर्नल? नहीं कुछ नहीं। मेरी धर्मपत्नी अनुराधा। गलत, बिल्कुल गलत। पहले अनुराधा फिर तुम्हारी पत्नी। क्यों बेटी, है ना? पहले तुम अनुराधा थी, फिर तुम्हारी किस्मत डॉक्टर की बीवी बन गई। आओ आओ बेटी, बैठो। कर्नल साहब, लेबोरेटरी नहीं देखी? नहीं भाई नहीं, पहले गाना फिर खाना और आखिर में तुम्हारा रोना धोना। आ बेटी एक गाना सुनाओ। हाँ हाँ जी, मैंने तो गाना कभी का छोड़ दिया। हाँ जानता हूँ बेटी, ये धूल और जंग अपने आप बता रहे हैं। शर्माओ नहीं बेटी, मैं तुम्हारे पिता समान हूं। कभी मैं भी गाया करता था। क्या दिन थे वो, जब मोहब्बत से मोहब्बत थी। ये जितना ऊपर से हंसता हूं उतना ही भीतर से रोता भी हूं। गाओ बेटी। अब
और मत दो, इसे कॉलिक का दर्द है, मुसीबत आकर मुझे उठानी पड़ेगी। ला मुझे दो, दो। कम बना है क्या? इतना कम क्यों किया मुझे? लाओ लाओ सारे का सारा मुझे दो। आज तो पेट भी फट जाए तो मुझे इतराज नहीं। बेटी बावर्ची को तो बुलाओ, मैं इसके हुनर की दाद देना चाहता हूं। जी बावर्ची तो हमारे यहां नहीं है। ओ तो इसका मतलब ये सब कुछ हमारी बेटी ने बनाया है। घर में नौकर चाकर भी नहीं दिखाई देते, वही कहानी, बिल्कुल वही कहानी। सर बचा के आइए, बस यही है मेरी छोटी मोटी लेबोरेटरी। डॉक्टर साहब ये क्या है? ये एक मामूली सी मशीन है, मैंने खुद बनाई है। चलिए देखिए। सुनाओ मशीन का पेटेंट निकलवा लिया है? जी? अगर नहीं निकलवाया तो दर्जनों के हिसाब से मशीनें बना डालेगा ये। बेटी लेबोरेटरी में खाट क्यों? जब वो काम करते करते थक जाते हैं तो यहीं सो रहते हैं। खाट के बारे में तो समझा, मगर ये पैरों के पास कुर्सी क्यों? मतलब ये कि जब वो थक कर सो जाते होंगे तो तुम सारी रात बैठ कर यहां पति सेवा करती होगी। बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह एक और जिसने अपना तन मन धन सब कुछ अपने पति पे वार दिया, इससे पहले कि उस पापी को पता चले क्या हुआ उसे, वो चली गई, हमेशा के लिए चली गई। कौन थे वो ये भी पूछोगे तो? कमाल हो गया कर्नल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, डॉक्टर चौधरी तो वाकई जीनियस है। आए लाल डॉक्टर चौधरी यहां आई। डॉक्टर चौधरी आप शायद नहीं जानते कि मेरी बेटी का ऑपरेशन आपके लिए कितना बड़ा क्रेडिट है। कर्नल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये 20,000 रुपए की रकम मैं आपकी नजर करता हूं, इसे अपनी फीस मत समझिए, इसे जैसे आपके जी में आए वैसे इस्तेमाल कीजिए। किसी बाहर के मुल्क में जाकर फर्दर स्टडी कीजिए या यहीं अस्पताल बनाकर गरीबों की मदद कीजिए, जो आपके जी में आए कीजिए। आपकी कामयाबी के पीछे जो तपस्या और साधना है उसके सामने मैं अपना सर झुकाता हूं। चलो लाल तुम तपस्या और साधना के सामने सर झुका रहे हो ना? हाँ। तो इसे नहीं, चल उसे दो। हाँ हीरा लाल यही इसकी असली हकदार है। निर्मला जो कुछ भी है इसी की कुर्बानी से आज इसकी आवाज धूल में अट चुकी है, इसका संगीत जंग में पड़ चुका है। इसने दूसरों को जिंदगी देने के लिए अपने जीवन का संगीत खो दिया। बेटी तेरा ये पति एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बड़े बड़े अक्षरों में अखबारों में इसका नाम आए, लोग स्वागत करेंगे, प्रशंसा में भाषण देंगे, गले में हार डालेंगे, लेकिन ये कोई न जान पाएगा कि दूर इस हंगामे और शोर के पीछे एक आवाज थी जो खो गई, एक फूल था जो कुमला गया, एक रोशनी थी जो बुझ गई। हीरालाल
ये हमारी बेटियां, हमारी बहन, हमारी माएं, जिन्हें कोई नहीं जानता, इनकी तरफ देखो तो ये मत कहो कि ये क्या है, कहो ये क्या हो सकती थी और न हो सकती थी। जला इनकी तारीफ भी तौहीन है। बेटी मैं तो तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, आशीर्वाद तो अपने से छोटों को दिया जाता है और तुम मुझसे तुम सबसे बड़ी। मेरी प्रार्थना है कि अगर मैंने जिंदगी में कोई भी भला काम किया हो तो उसका फल तुम्हें मिले, तुम खुश रहो, हमेशा हमेशा खुश रहो, और हम जैसे। अच्छा डॉक्टर, अच्छा बेटी खुश रहो। कल सुबह हाँ कल सुबह मुझे बहुत कुछ करना है। रतन क्यों क्या हुआ? जल्दी आइए डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, न जाने उसे क्या हो गया है डॉक्टर साहब। घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। लाइए डॉक्टर साहब। नहीं नहीं ठीक है, आओ चलो। भगवान है डॉक्टर साहब, आप सब कुछ कर सकते हैं, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता डॉक्टर साहब। मैं कसम खा कर कहता हूँ मैं सब कुछ करूंगा, मैं दिन रात इसकी सेवा करूंगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मत भूलो अनु, भगवान ने जिंदगी तो हमें से लाखों कीड़े मकोड़ों को दी है, लेकिन प्रतिभा लाखों में से एक। इस प्रतिभा से मुंह मोड़कर तुम अपनी नहीं भगवान की तौहीन कर रही हो। मैं अपना सब कुछ छोड़कर चली आई ताकि तुम्हें पा सकूं, लेकिन मैं तुमको भी नहीं पा सकी। निर्मला जो कुछ भी है इसी की कुर्बानी से आज इसकी आवाज फूल मर चुकी है। मुझे यकीन है कि तुम मेरे बगैर अपने आप को अकेला नहीं महसूस करोगे। हमारा असली रूप मिसेस निर्मल चौधरी ने, अनुराधा राय,
उस मासूम अनुराधा का घात कर देने का तुम्हें कोई हक नहीं। क्या तुम मुझ पर इतना भी अधिकार नहीं रखते? उनसे इतना भी नहीं कह सकते, चली जाओ, फिर यहां कभी ना आओ। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।